Hey guys, what's up? तो वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू शॉपिंग व्लॉग। जैसे कि मैंने बहुत पहले पोल डाला था जिसके देख सकते हो, तो इसमें बहुत लोगों ने बोला था कि शॉपिंग व्लॉग बनाओ। तो यस, हियर आई एम एंड मैं हूँ H&M में। तो तुम लोगों को समझ ही आएगा सिनेमैटिक शॉट्स में। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए मैंने लास्ट वाले H&M वीडियो डाला एंड थैंक यू सो मच कि उसमें 15K प्लस व्यूज़ है, लाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन थोड़ा कवर करने वाला हूँ एंड यहाँ के कलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगा तो मैं भी ले लूँगा, या नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ के कलेक्शंस एंड कुछ आया है नहीं, एंड जो बाकी क्वेश्चंस थे वो मैं तुम लोगों को यहाँ का कवर करूँगा। तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, सो ओके गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझे उड़ीज़ के रिलेटेड, जो कि मैंने ना लास्ट वाले वीडियो में एक वो उड़ी बना था ब्लैक वाला, तो उसके लिए तो उधर उड़ी सेक्शन है, उधर जाके देखते हैं स्वेट टी शर्ट्स एंड उड़ीज़ एंड उसके हिसाब से बात कर रहे हैं क्यों इतना फंबल हो रहा हूँ, तो उधर कलेक्शंस भी देख लें। तो चलो सेक्सी है ना। एंड हाँ, मैंने ना लास्ट टाइम तुम लोगों को प्राइसिंग वगैरह नहीं बताया था, मैं तो इधर बता रहा हूँ, ये है 2300 का, जो कि इतना बॉम एंड लाइक मार्वल कलेक्शन है, तो बहुत सही है ब्रो। तो अपन इसको ट्राई करते हैं, मे बी ये मेरा बहुत बड़ा है ये साइज़, क्या है ये बड़ा लग रहा है ना मुझे। हाँ ये परफेक्ट है ना, मेरे को है ना एक्चुअली पिंक कलर से इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना ऐसा लाइक प्रैक्टिकली बात किया जाए तो मेरा कलर एंड पिंक कलर को उतना कॉम्बिनेशन नहीं देगा, बट मैंने सुना है कि इसके नीचे स्निकर्स पहने के ना तो बेस्ट रहता है। तो पहले हम ये एक ट्राई करते हैं एंड इधर भी एक ब्लैक कलर में, जो कि प्लेन ब्लैक है एंड ये भी एक ट्राई करते हैं। ये छोटा होगा कि मेरे को लग रहा है परफेक्ट होगा, क्या लगता है? परफेक्ट है, मीडियम है ना, परफेक्ट है। ये एक ट्राई करना और इधर अपने पास है ना कार्गो पैंट्स भी होते हैं, क्वालिटी है तो ये भी 2300 का मेरे हिसाब से स्लाइटली एक्सपेंसिव है, लाइक आफ्टर मार्केट देखने जाएंगे तो अपन को ये बजट में अपने पास 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ के लिए एक, तो बोल सकते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है ना। ये बड़ा हो जाएगा, स्वेट टी शर्ट्स में कोई इतने ऐसे पड़े, ये भी मैंने स्वेट टी शर्ट्स लिया था याद है, बैंड्रा से लिया था एंड अभी ओ इधर आ, इधर आ, इंटरेस्टिंग ना, ये 1500 का ही है सिर्फ एंड यहाँ पर वाला स्ट्रेचेबल है, ठीक है, ज़्यादा अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट जो भी चीज़ें पहले ले लेते हैं फिर अंदर जाके मैं तुम लोग ट्रायल रूम में। प्लेन वाइट, बट वाइट है ना लाइक नहीं चाहिए, क्योंकि ना मेरे पास वाइट बहुत सारे हैं और है ना मैं जल्दी वाइट बहुत गंदा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही गंदा कर देता हूँ, क्योंकि ये कलर देख लो, ये भी कलर जल्दी स्लाइटली गंदा हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी अपने तीन तो हुडी ले लिया है, एक स्वेट टी शर्ट प्लस 3 हुडीज और दूसरा देख जैकेट सेक्शन है और जर्सी वाला है, जर्सी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को तो अपने कवर कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन प्राइस रेंज के हिसाब से बात हो रहा था एंड वहाँ पर देख लेते एक बार चाइल्ड बच्चे लोग किस में भी जाके ट्राई कर रहे हैं। BMX साइकिल्स क्या लगता है होगा मेरे को, साइज क्या है? मीडियम ही है, होगा ना। और है ना मेरा आज का एम है कि लाइक है ना मेरे को सिर्फ स्वेट टी शर्ट्स और हुडीज नहीं है, क्योंकि ना शर्ट्स मेरे पास बहुत सारे, तो मैं कहता था नॉर्मली मेरे को स्वेट टी शर्ट्स और हुडीज पहनता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो कैजुअली मेरे को ज़्यादा कैरी करना अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत पका दिया। एक काम करके अंदर जाते हैं और जब तक तुम लोग सिनेमैटिक शॉट चेक करो, फिर अंदर आके मैं तुम लोग को ट्राई करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो इधर सब चार लगा हुआ है एंड लेट्स ट्राई दिस। बाकी टी शर्ट अच्छा दिख रहा हूँ, पाया
तो ये है सेकेंड वन एंड देख सकते हो. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट